चलेंगे मेटालिक सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो मेटालिक सॉलिड के क्लासिफिकेशन में आप उसकी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। पहले आप लोगों ने मॉलिक्यूलर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसके पीछे कारण थे, क्या कारण थे, क्या आधार था कि वहाँ पर रासायनिक पदों की प्रकृति रासायनिक पदों के बल के प्रकार पर आधारित था और उन्हें भौतिक गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। अब हम यहाँ पर उनके पदों के आधार और पदों के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। नेचर ऑफ द पार्टिकल्स एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये तीन बातें हैं। तो इन तीनों के आधार पर हम ठोस पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये दो वर्ग कौन से हो गए, एक तो क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन, अर्थात इसको कहेंगे कि क्रिस्टलीय और इसको कहेंगे अक्रिस्टलीय। तो हमारे जो ठोस हैं वो दो प्रकार के हो गए, अर्थात क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब हम ये जानकारी लेंगे कि इन दोनों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आने वाले हैं क्रिस्टलीय सॉलिड। अब क्रिस्टलीय सॉलिड की क्या क्या विशेषता होती है, क्रिस्टलीय सॉलिड के क्या क्या गुण होने चाहिए, आप इस प्रकार से पहचान करेंगे। तो उनके गुणों को हम पहले यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कहलाते हैं जिनके अवयवी कणों का एक नियमित विशिष्ट ज्यामिति होती है, सो द रेगुलर स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सो सच टाइप ऑफ द सॉलिड आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे हम क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं। रेगुलर ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह हुआ कि प्रत्येक अवयवी कण जिस स्थान पर है, जिस ज्यामिति स्वरूप में है, उसकी ज्यामिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है रेगुलर ज्योमेट्री नियम। अब आते हैं ये कि ये जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो एक स्टीरियो नेटवर्क एक त्रिकोण विन्यास बनाती है, अर्थात जब किसी भी पार्टिकल को, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सोडियम का पार्टिकल है, ये है इस सोडियम पार्टिकल के आप जब त्रिकोण संरचना को पढ़ोगे एक्स वाई और जेड एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस पर कौन से कण है, वाई पे कौन सा है, जेड पे कौन सा है, कौन कौन से पार्टिकल है, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी इससे रिलेटेड उस ज्यामिति संरचना को हम यानी त्रिकोण जालक संरचना कहते हैं, और अंग्रेजी में से बोलने का स्टीरियो नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हमने त्रिभुज व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और ये किसके द्वारा ले लिया, ये एक्सरे रिफ्लेक्शन मेथड, स्टीरियो स्कोपी मेथड, तो ज्यादातर जो इनकी जानकारी है वो एक्सरे रिफ्लेक्शन मेथड अर्थात एक्सरे विवर्तन अध्ययन के द्वारा इनकी जो जानकारी है वो ली जाती है कि ये किस प्रकार के मेथड्स बने हैं। जब आप त्रिभुज ज्यामिति में जाएंगे तभी आप उसके निश्चित ज्यामिति संरचना पाएंगे, जैसे कि एक चतुष्फलकीय संरचना जो है वो एक त्रिभुज ज्यामिति है, एक वर्गाकार संरचना है वो एक त्रिभुज ज्यामिति है, ये इसका निरूपण करते हैं। तो त्रिभुज ज्यामिति ये स्टीरियो नेटवर्क, सॉलिड विशेष स्टीरियो नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं। आप देखिए जब हम उसको रोकते हैं कि ये रेगुलर है, तो रेगुलर का मीनिंग ये होगा कि वो उसकी जो एकाग कोशिका है उस एकाग कोशिका का रिप्लिकेशन रेगुलर इंटरवल में होता है, एक नियमित अंतराल के पश्चात उनका एक ज्यामिति व्यवस्था जो है वो नियमित हो जाती है। इस नियमित ज्यामिति व्यवस्था के कारण ही इनकी पहचान क्रिस्टलीय ठोस में की जा सकती है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का ये एक और विशेष गुण, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एक हमारे पास में क्रिस्टलीय ठोस है, तो उसका जब हमने एक्सेल डिफ्रेक्शन ग्राफ तैयार किया तो उस एक्सेल डिफ्रेक्शन ग्राफ में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ अरेंजमेंट जो है वो आपके
सभी यूनिट्स में प्रिजर्वेटिव है, अर्थात ये रेगुलर रेजिमेंट कर रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। और ये जो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये तो हो गया हमारा ठोस यौगिक कंपाउंड। और जो आयरन और जो कॉपर है ये हो गया आपके धातु क्रिस्टल। कहने का मतलब कि जो धात्विक ठोस है वो भी क्रिस्टलीय है, और जो हमारे यौगिक हैं रासायनिक यौगिक वो भी क्रिस्टलीय प्रकार के हो सकते हैं। ये इनके लिए आपके एग्जाम्पल है। अब आते हैं इनके बारे में, इनके बीपी और एमपी के बारे में। तो क्रिस्टलीय पदार्थों का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये कॉन्स्टेंट होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई से भी दो पदार्थ ऐसे लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आयरन और कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट को देखें आप, तो कॉपर तो बहुत जल्दी निकल जाता है कम ताप पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। अब ये ज़्यादा कम क्यों है, तो इसका रीजन इनके आयनिक आकर्षण बल के कारण है। अर्थात निश्चित तौर पर देखिए कि आयरन के अंदर क्योंकि रेगुलर न्यूट्रॉन की जो आपकी जाने की संरचना है ये सुदृढ़ है, और इनके बीच में रासायनिक आकर्षण बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि इसमें लूजनेस है, इनके जो आवे की कटा थोड़े से दूर है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट कम है। खैर ये कम या ज़्यादा हो उसका मतलब नहीं है, बल्कि हमें जानकारी क्या देनी है कि यदि हमें कोई एक अनलोक धातु दे दी जाए और फिर आप पहचान करो कि ये धातु कौन सी है, आपको नहीं मालूम, आपने कभी कॉपर को देखा नहीं, उसका रंग कैसा होता है, कॉपर धातु कैसी होती है आपने देखा, और आप उसकी पहचान कैसे करोगे, तो सीधा सा तरीका कि वो जो दूसरी धातु है उसको आप मेल्टिंग पॉइंट क्या करो, और वो मेल्टिंग पॉइंट का आप सारणी के अंदर देखिए कि ये मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से प्रत्येक ठोस का एक निश्चित गलनांक होता है। कोई भी दो धातुएं, कोई भी दो ठोस ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि गलनांक जो है वो एक समान है, अर्थात उनके कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनसे पहचान है। अगला भी देखिए पॉलीगेटिंग कर्व, ये एक डिसकंटिन्यूस है। पॉलीगेटिंग कर्व का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ठोस को पिघलाएं तो पिघलाते समय जब उसका कर्व आप देखेंगे तो पहले कर्व इस प्रकार से ये इस तरह से होगा, अर्थात ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये अगर आपका टेम्परेचर, ये इंटरजेनेट टेम्परेचर आप बढ़ रहा होता देखते हैं, तो जब आप ये टेम्परेचर उनके मेल्टिंग पॉइंट के मान से जब संबंध याद करेंगे तो ये एक डिसकंटिन्यूस होगा, अर्थात इन सभी के जो क्वालिटेटिव कर्व है वो सभी कर्व उनके मेल्टिंग वॉल्यूम कर्व का उदाहरण देते हैं कि वो एक डिसकंटिन्यूस होता है। आप केवल मेल्टिंग वॉल्यूम कर्व नहीं उनके विलयता, अर्थात इन ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों की जलविलयता वो भी डिसकंटिन्यूस है, भिन्न भिन्न काम करेंगे विलयमान का मान भी भिन्न भिन्न होगा। अब इस तरह से इनके जो कर्व आएंगे वो अनियमित होंगे, अर्थात इनके जो क्वालिटेटिव जो कर्व होते हैं वो हमेशा अनियमित होंगे, ये एक विशेष गुण है। उसके बाद देखिए एनिसोट्रॉपी के बारे में, एनिसोट्रॉपी का जो संबंध है वो इनकी जाति की संरचना से संबंधित है, और सभी कृष्णीय पदार्थ विषम गैसिक प्रकृति के होते हैं। अंग्रेजी में इनको एन आइसोट्रॉपी के नाम से जाना जाता है, एन आइसोट्रॉपी विषम गैसिक रूप। अब ये विषम गैसिक रूप जो है वो होते क्या है, देखिए इसको समझने के लिए हम इसका ये एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के हमारे पास ये पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, तो इस प्रकार से कई सतह के अंदर होंगी। तो ये जो सतह है तो अब आप किसी एक गुण के मान को अलग अलग दिशाओं से इस दिशा में देखिए अथवा इस दिशा में देखिए, तो दोनों दिशाओं में देखने पर इनके मान के अनुभव के लिए दिखाई देते हैं वैल्यू इनके कहते हैं, इसको कहते हैं विषम गैसिक, अर्थात विभिन्न दिशाओं में
तो इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस के मान को अगर आप इससे भी मीटर करते हो तो उसकी वैल्यू अलग आएगी और नहीं, और उसी प्रतिरोध के मान को अगर आप यहाँ पे आप लोड करते हैं तो उसका मान भेद हो जाएगा। अर्थात अगर पार वो स्टैटिक शुद्ध है और एक ही यौगिक का है लेकिन फिर भी उस इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस का मान जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न आता है, इसलिए एक विषय हो गया। इसी तरह से कंडक्टिविटी का मान है कि आप कंडक्टिविटी का मेजरमेंट यहाँ पे करिए तो आप इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। तो चालकता के मान की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, आप दोनों जगह जब देखेंगे तो कंडक्टिविटी के मान आपको नजर आएगी, इसलिए इसलिए पदार्थ विषम रेशी होते हैं। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारे एक दिशा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान है और ये दूसरी दिशा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान है। तो मैंने आपको ये तीन महत्वपूर्ण बताए, एक तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारा विद्युत प्रतिरोध है, ये विद्युत चालकता और ये हमारा अपवर्तन, ये तीनों गुण अगर इन दोनों दिशाओं में उनका अध्ययन किया जाए तो ये भिन्न भिन्न हो, इसलिए प्रश्न दो पदार्थ जो होते हैं वो विषम वैश्विक प्रकार के होते हैं। लेकिन इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, तो ध्यान क्या है कि अगर किसी ठोस पदार्थ की पूरी स्ट्रक्चर है घनाभ संरचना है तो घनाभ संरचना वाले जो पूरी स्ट्रक्चर के जो सॉलिड होते हैं उन प्रश्न पदार्थों में विषम वैश्विक गुण नहीं होते हैं अर्थात वो समवैश्विक होते हैं। कारण क्या है कि एक जो सिंपल एक सरल जो घनाभ संरचना होती है उसकी जो सिक्स सरफेस है वो सभी सरफेस जो है वो एक समान होती है, उनमें उनके आयतन में उनके भार में उनके द्रव्यमान में किसी तरह का अंतर नहीं होता अर्थात वो सभी समरूप होती है। तो एक समरूप संरचना होने के कारण इनमें ये